अगर आप हिंदू हैं तो आपको इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रावस्था में चले जाते हैं, पर जब इस सृष्टि का पालन करता निद्रावस्था में चला जाएगा तो सृष्टि को कौन संभालेगा। देवशयनी के ठीक 4 दिन में गुरु पूर्णिमा होती है। ये 4 दिन गुरु हमारी पृथ्वी को संभालते हैं। गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद श्रावण मास लग जाता है। ये 1 महीना भगवान शिव की जिम्मेदारी होती है। श्रावण मास के तुरंत बाद भद्रपक्ष लग जाता है। ये 19 दिन भगवान कृष्ण इस धरती को संभालते हैं। फिर आ जाती है गणेश चतुर्थी। ये 10 दिन गणपति बप्पा हमारी इस पृथ्वी को संभालते हैं। गणेश चतुर्थी समाप्त होते ही पितृपक्ष आ जाते हैं। ये 16 दिन पितृ इस पृथ्वी को संभालते हैं। उसके तुरंत बाद नवरात्रे आ जाते हैं, जब माँ दुर्गा माँ वैष्णो इस पृथ्वी का पालन पोषण करती है। नवरात्रों के बाद दीपावली के माँ लक्ष्मी जी 20 दिन तक इस सृष्टि का पालन पोषण करती है। अंत के 10 दिन कुबेर जी इस पृथ्वी को संभालते हैं। और उसके बाद आ जाती है देव उठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की निद्रा पूरी करके पुनः सृष्टि का पालन पोषण अपने हाथों में ले लेते हैं। तो ये है सुंदरता हमारे सनातन धर्म की। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हर सनातनी हर हिंदू तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय